नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका S4SSC में। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज भी ऐसा ही वीडियो हाजिर है जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक क्या है, देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी को दिया जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, देखिए, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को इस साल के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, 28 जुलाई को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 24वां राष्ट्रीय राज देखिए 24वां है, सबसे पहले याद रखिए 24वां है, 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को कौमी एकता, शांति एवं सौहार्द के उन्नयन हेतु दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इस साल के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है गोपाल कृष्ण गांधी को। ठीक है, 28 जुलाई को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया जाएगा। तो राजीव गांधी कौन थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।